गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किचर्स। बच्चों, नर्सरी की क्लास में इससे पहले हमने ए टू एन अल्फ़ाबेट पढ़े थे, उसके बाद हमने ओ टू जेड अल्फ़ाबेट पढ़े। आज हम ए टू जेड पूरा अल्फ़ाबेट है जो वो ए टू जेड तक का कंप्लीट करेंगे, यानी बोलेंगे भी और लिखेंगे। पहले हम अल्फ़ाबेट्स को पहचान लेंगे। सबसे पहले है ए फॉर एप्पल, उसके बाद है बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, P for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Christmas tree, Y for yak and Z for zebra। तो ये है ए टू जेड अल्फ़ाबेट। तो अब हम इन्हें जानने लगे हैं ना, ए टू जेड अल्फ़ाबेट को आप पहचानने लगे होंगे। अब हमें लिखना है ए टू जेड अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए से, ठीक है बच्चों। तो हमें ए से स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है ए फॉर एप्पल से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, बी फॉर बॉल, फिर आता है सी फॉर कैट। हमें ये सब है ना बच्चों लाइन में लिखने हैं, तो मैं लाइन में लिखूंगी तभी आप लाइन में लिख पाओगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए, तो हमें लिखना है ए फॉर एप्पल, फर्स्ट से थर्ड लाइन तक जाना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आएगा बी फॉर बॉल, तो हमें लिखना है बी फॉर बॉल। उसके बाद क्या आएगा, सी फॉर कैट। उसके बाद आता है डी फॉर डॉग, फिर आएगा ई फॉर एलिफेंट, है ना। उसके बाद क्या आता है बच्चों, एफ फॉर फिश, फिर आएगा जी फॉर ग्रेप्स। तो ये हो गया ए टू जी। अब हम देखेंगे एच टू एन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एच फॉर हॉर्स, फिर आएगा आई फॉर आइसक्रीम, है ना, आई फॉर आइसक्रीम। फिर आएगा जे फॉर जग, उसके बाद आता है के फॉर काइट। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, एल फॉर लायन, फिर आता है एम फॉर क्या होता है बच्चों, मंकी। उसके बाद आएगा एन फॉर नेस्ट। ये हो गया एच टू एम। अब हम देखेंगे ओ टू यू के, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ फॉर ऑरेंज से, तो हम लिखते हैं ओ फॉर ऑरेंज। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, पी फॉर पैरट, फिर आता है क्यू फॉर क्वीन, फिर आएगा आर फॉर रोज, फिर एस फॉर सन। उसके बाद क्या आता है, टी फॉर टाइगर, फिर आएगा यू फॉर अम्ब्रेला। अब हम सीखेंगे वी टू जेड। तो अब हमें लिखना है वी फॉर वैन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा डब्ल्यू फॉर वॉच, है ना। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, फिर आएगा वाई फॉर याक फिर से लिखेंगे हम। वाई फॉर याक, आपको वाई फॉर याक ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है जेड फॉर जेब्रा। तो ये हो गया हमारा ए टू जेड अल्फाबेट, है ना। तो जैसे मैंने बोला वैसे आपको बोलना है, यानी आप अपने अल्फाबेट्स को पहचान जाओगे और उसको आपको फिर आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।